लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 7B, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 10th इज इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड मेज इन 90 डिग्री. फ्रेंड्स ये कह रहा है दो लाइन आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करें कि एक एंगल 90 डिग्री का बने. शो दैट ईच ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री. तो ये शो करना है कि हर एक एंगल जो भी है वो 90 डिग्री का है. राइट फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसी ये 90 डिग्री का है और ये एक स्ट्रेट लाइन लेती हूं तो ये कितने का हो गया, x डिग्री का हो गया. राइट फ्रेंड्स, अब मैं इसे मार्क कर देती हूं ए बी ओ पॉइंट सी एंड डी. राइट फ्रेंड्स, नाउ एंगल ए ओ बी इज ऑफ 180 डिग्री हमें पता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थ्योरम है, स्ट्रेट लाइन. राइट फ्रेंड्स, अब ये स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, अब ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री गिवन है. एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. कौन सा एंगल बनेगा, ये बन जाएगा ए ओ बी. तो ये कितना दे रखा है, 90 प्लस एक्स डिग्री, या इसकी जगह एक्स की जगह आप डायरेक्ट बी ओ सी ही लिख सकते हैं. तो ये कितना आ गया 180. तो एंगल बी ओ सी कितना बन गया 180, ये इधर आगे माइनस का हो गया 90, तो कितना आ गया 90. राइट फ्रेंड्स, अब जैसे ये 90 आया, अब इंटरसेक्ट कर रही है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ डी के. कितना है 90 डिग्री. Why? Because vertically opposite angles are equal. Similarly, angle AOC is equal to angle BOD. कितना 90 degree. Why? Because vertically opposite angles are equal. Hence, proved. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.